हेलो गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों। डंकी मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो दोस्तों बात करें हम पहले सालार मूवी। जी हाँ दोस्तों, सालार और डंकी के कलेक्शन, जैसे उम्मीद थी डंकी के साथ वैसे तो नंबर नहीं मिले हमें, ठीक है, फिर भी मूवी अभी भी बनी हुई है और टक्कर दे रही है, इंडिया में नहीं तो ओवरसीज में तो टक्कर दे रही है डंकी मूवी सालार को, ठीक है। तो जैसे बॉलीवुड के एक बात सही है कि जब भी वो कलेक्शन आता है उनका तो पोस्टर लॉन्च करते हैं, ठीक है, पोस्टर डालते हैं और उसके अंदर सब कुछ लिख के देते हैं कि भाई इतना हमारा ग्रोस हुआ, इतना नेट हुआ, इतना वर्ल्ड वाइड, इतने मिलियन कमाए इसने, ठीक है। मगर यहाँ पे साउथ का भाई एकदम से अलग है, कितना भी मतलब एक ही नंबर देंगे मिला जुला के, जितना भी हो गया बस एक बार भेजेंगे एक नंबर, और नीचे कुछ भी आप मार्क नहीं करेंगे कि भाई कहाँ का कितना है, यहाँ का इतना है, कुछ भी नहीं भेजेंगे। ऐसे समझ में नहीं आता कलेक्शन की भाई आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो इसी पे बात करने वाले हैं। डंकी से शुरू करें हम पहले, तो डंकी का, जी हाँ दोस्तों, डंकी ने हम बात करें डे वन में, तो डे वन में आपको बताया था मैंने पहले, फिर दोबारा बता रहा हूँ, 29.20 यानी कि लगभग 29,20,00,000, ठीक है। डे टू में थोड़ी सी गिरी मूवी, 20,12,00,000, ठीक है। डे थ्री में आ गया 25,61,00,000, ठीक है। मतलब ऐसे आई ऐसे हुई मूवी, मतलब बनी हुई है अभी तक। तो हम बात करें डे फोर, कल संडे था, तो क्या लगता है आप कितना आ सकता था। मैंने प्रेडिक्शन दिया था, यानी कि मेरा था कि लगभग 30-32 करोड़ आएगा, मगर नाइट के शो पता नहीं कैसे क्या हुआ, तो फिर भी जो नंबर आए हैं 30,70,00,000। जी हाँ दोस्तों, डे फोर के कलेक्शन आए हैं 30,70,00,000। तो आज है डे फाइव, तो आज क्या लगता है आपको कितना कमा सकती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उससे पहले मैं बता दूँ ओवरसीज़ का कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ओवरसीज़ में कितने मिलियन हो गए अभी तक उस पर बात कर रहे हैं। डे वन में, जी हाँ दोस्तों, 2.83 मिलियन यानी कि लगभग 23,50,00,000, ठीक है, 23,50,00,000 इसने किए थे अपने डे वन में। और डे टू में आ गया 2,60,000 यानी कि लगभग 21,65,00,000, ठीक है। अब डे थ्री में 2.84 मिलियन यानी कि लगभग 23,60,00,000। तो ओवरसीज जैसे इंडिया में है वैसे ही है, मतलब थोड़ा सा कलेक्शन में फ़र्क है हिंदी और ओवरसीज़ का, लगभग बराबर आ रहे हैं, ठीक है। डे फोर में मूवी एकदम से थोड़ा सा नीचे गिर गई, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यार इतना कलेक्शन आएगा। मुझे लग रहा था कि कम से कम कहीं ना कहीं डे फोर में 20-21 करोड़ कमा सकती थी मूवी, मगर क्या हुआ एकदम से ऐसे नंबर, मतलब आप भी सोचेंगे लगभग 2 मिलियन इसने अपने डे फोर में कमाए, यानी कि 2,14,00,000, ठीक है। और इसी के साथ जो इसका कलेक्शन हुआ 17,78,00,000 डे फोर में, 17,78,00,000 यानी लगभग 18 करोड़ कमाए इसने अपने डे फोर में डंकी मूवी ने, ठीक है। और इसका टोटल मिलियन कितने हो गए, लगभग 10,41,000, आप यकीन कर सकते हो। सलार का भी ऐसा ही कलेक्शन है, ठीक है, और इसने अपने सिर्फ चार दिन में 10 मिलियन, 10.5 मिलियन के लगभग इसने कमा लिए। ये भाई बहुत बड़ी बात है ओवरसीज़ में, मगर ये शाहरुख खान जैसे नंबर नहीं है जैसे पठान जवान थे, मगर ये मूवी भी वैसी नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वैसे कलेक्शन आएंगे, फिर भी जो नंबर आए बहुत अच्छे आए। तो ओवरसीज़ में इसने लगभग 10 मिलियन कमा लिए, 10.41 मिलियन यानी कि लगभग 10.5 मिलियन कमा लिए इसने। और जो इसका अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 86 करोड़ इसने अभी तक कमाए हैं चार दिन के अंदर, 86 करोड़, ठीक है। और दूसरा हम बात करें डे वाई कितने हुआ वर्ल्ड वाइड और नेट हिंदी का, तो डे वन में 58 करोड़, ठीक है, डे टू में 45,40,00,000 यानी कि नीचे आई मूवी, उसके बाद फिर जंप लिया मूवी ने डे थ्री में 53 करोड़ कमाया, लगभग 53-80 लाख, ठीक है। तो इसने जंप फिर डे फोर में लिया, डे फोर में इसने 54 कमाए थे, ठीक है। तो टोटल इसका हो गया है अभी तक
211 यानी कि लगभग 211 करोड़ 13 लाख। जी हाँ दोस्तों, 211 करोड़ 13 लाख इसने कमा लिए अपने सिर्फ 4 दिन में। ठीक है, तो 4 दिन का इनका कलेक्शन हो गया है और नेट हिंदी का होता है टोटल मिला के हम 105 करोड़ 13 लाख हिंदी नेट हो गया इसका सिर्फ 4 दिन का। ठीक है, तो आज है Day 5, तो आज उम्मीद ऐसी नहीं थी जैसी ये आज हैप्पी क्रिसमस डे है आज, फिर भी ये मूवी के जो नंबर आ रहे हैं भाई शॉकिंग वाले हैं। मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मूवी क्रिसमस को ही रिलीज़ की थी, मतलब इनकी पूरी जो रिलीज करने का पूरा पता क्या था कि हम क्रिसमस को लेके आ रहे हैं मूवी, क्योंकि क्रिसमस को जो फ़ायदा मिलता है मूवी को, मगर यहाँ पे उतना जितना हम सोच रहे थे उतना फ़ायदा इस मूवी को नहीं मिल रहा है। लगभग आज मैं उम्मीद कर रहा था कि 30 से 31 करोड़ कमाएगी ये मूवी, मगर अभी जैसे नाइट शो ऑक्यूपेंसी मैं देख रहा हूँ, चेक किया मैंने अभी, तो मुझे नहीं लग रहा आज ये 23-24 के लगभग कमा सकती है। जी हाँ दोस्तों, 23-24 करोड़ ये अब कर सकती है सिर्फ हिंदी में। ठीक है, और ओवरसीज़ की बात करूँ तो मुझे लग रहा है ओवरसीज़ में भी नंबर गिरने वाले हैं। मुझे लग रहा है 15 से 17 करोड़ के बीच में ये ओवरसीज़ कर सकती है, 15 से 17 करोड़ ओवरसीज़। तो क्या लगता है आपको, कैसी उम्मीद है ये मूवी, और क्या लगता है आपको कोई 500 करोड़ करेगी? और दूसरी बात करें हम सलार मूवी, सलार का भाई बहुत नंबर, बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं इनकी। 3 दिन में इसने 402 करोड़ यानी कि जस्ट 3 डे 402 करोड़, यानी कि भाई ये जो नंबर है उन्होंने ऐसे डाले हैं कि पता नहीं सबके दिमाग घूम गए। मतलब आप अगर आपके ऐसे नंबर हैं तो डिटेल में बताना चाहिए कि भाई इतने नंबर यहाँ से आए, इतने नंबर यहाँ से आए। ठीक है, तो उनका कोई नहीं है, बस एक पोस्टर लॉन्च करेंगे कि भाई इतने कमा लिए। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि अगर हम नेट की बात करें या हिंदी नेट की बात करें, सब कुछ हम बताते हैं कि भाई ये हिंदी से हो गया, ये वर्ल्ड वाइड हो गया, ये उधर का हो गया। ठीक है, मगर वहाँ पे नहीं है कुछ भी, बस एक नंबर आना है कि इतने हो गए, इतने कमा लिए। भाई ओवरसीज़ में अभी भी डंकी बीट कर रही है सलार को। ठीक है, क्योंकि ओवरसीज़ में अभी भी बनी हुई है डंकी, और मुझे लग रहा है कि हाँ ओवरसीज़ में ये मूवी अभी तक बनी रहेगी। इंडिया में देखते हैं कल का क्या कर सकते हैं आप। कल का प्रेडिक्शन मैं दे सकता हूँ कि कल जो नंबर आएंगे, अगर ये मूवी कल 12 से 13 करोड़ कमाएगी तब तो ये ठीक है, मंडे इसका पास होगा, यानी कि मंडे तो आज है मगर इसका मंडे जो है कल होगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कल 12 से 13 करोड़ के बीच में कमा सकती है मूवी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे लग रहा है कि हाँ अगर ये 12 से 13 करोड़ कमाई तो ये मूवी भाई 300 करोड़ कमा सकती है। ठीक है, कैसा लगा एपिसोड, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।